फिजिकल कॉन्टैक्ट रहने से इसमें हमारे लिए ये फायदा है कि एक ऐसी बॉन्डिंग है कि जब चाहे हमको अगर कुछ महसूस हो रहा तो एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं बिल्कुल कूल तरीके से, ना कि एक दूसरे के ऊपर ज्यादती करते हुए। तो ये राइट हमारा क्यों छीना जा रहा वो समझ में नहीं आ रहा। एक एक आदमी को जब मियाँ बीवी के बीच में दरमियान में झगड़ा हो जाता है, आपस में रहना एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर तलाक खुला कर जो प्रोविजन है कि आदमी अगर तलाक दिया और ट्रिपल तलाक का इशू सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक ऑफ कर दिया, उसको उस पर चर्चा हो रही थी कि लोकसभा में राज्यसभा में चर्चा भी जारी होना था, उससे पहले ही ऑर्डिनेंस लाने का मतलब ये है कि आप इसको क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, इसको जो है ना बिल्कुल ऐसा एक क्राइम, एक आदमी को क्राइम उसके ऊपर 3 साल का सजा आप सुना रहे हैं। 3 साल सजा लेके जब वो उसको जेल भिजाया जाएंगे शरीयत के अतबार से, वो तलाक दे दिया रेखा उसका छोड़ दिया और लीगली वो हस्बैंड है 3 साल जेल पे रहने के बाद, और उसे कहते हैं तुम्हारा मेंटेनेंस मान बी बच्चों को पालना है, तो जेल में ऐसा कौन सी नौकरी देंगी जो बी बच्चों को पाल सकता है, और उसके अगर नहीं है तो उसके लिए भी अलग पनिशमेंट है। जब चलो ठीक है 3 साल के बाद जेल से बाहर आएगा तो कैसा आपने उस बीवी को जो जेल भिजाई उसको बीवी मानता, और उसके बच्चे जब स्कूल जाते हैं स्कूल से वापस आते हैं तो वो बच्चों के साथ क्या क्या होता, तेरे बाप जेल चले गए, वो बच्चों के ऊपर क्या पड़ता, पूरे फैमिली सिस्टम को ये ऑर्डिनेंस अगर अच्छा समझ के बोल रहे हैं तो ये ऑर्डिनेंस से पूरे पूरे खराबी है। वो हस्बैंड को प्रॉब्लम है, उस बीवी को प्रॉब्लम है, वो बच्चों को प्रॉब्लम है, पूरा फैमिली को प्रॉब्लम है, पूरे सोसाइटी को प्रॉब्लम है, पूरे देश के लिए प्रॉब्लम है। एक तो एक फैमिली तरफ से, दूसरी बात हमारा डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक तरीके से आप लेके आए, डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट, इस तरह का ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस है ना डेमोक्रेसी के ऊपर थ्रेट है, आप एक बदलाव किए हैं, ये इस चीज को बचना चाहिए। हम मोदी साहब का जो इस ऑर्डिनेंस को फौरन वापस लेना है और राज्यसभा में जब भी डिस्कस में नहीं आए लोकसभा से भी बिल को वापस लेने के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। ये दूसरी बात, ये जो तलाक है एक सोल्यूशन है, जब वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में जब नहीं बन रही तो वो क्यों रहेगी औरत वहाँ पे, जब उसका हस्बैंड उसको छोड़ना ही चाह रहा तो क्यों रहेगी वो, उसकी भी कोई इज्जत है, उसका भी कोई मुकाम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो जब उन्हें खुद उसको अवॉइड कर रहा तो फिर ये गवर्नमेंट कौन है कि ये चीज़ इम्पोज करे कि नहीं दोनों को मिलके ही रहना चाहिए, चाहे आपस में दूसरे एक दूसरे का कत्ल हो या खून हो या जलाया जाए या मार के रोड पे कर दिया जाए, लेकिन फिर भी साथ रहना, तो ये गवर्नमेंट कैसा इम्पोज कर सकती है, ये कैसा ये हमारा राइट गवर्नमेंट ले सकती है, जबकि ये कोई एक ये प्रॉब्लम नहीं है, ये डिवोर्स ये एक सोल्यूशन है फॉर बेटर सोसाइटी। इसके लिए क्या पाए के प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए हम लोग आगाह कर रहे हैं अपने गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भी, अगर इस पे अगर एक्शन नहीं ले रहे तो हम अपने जगह पे खामोश बैठेंगे नहीं, हम सब जिस तरह बात कर रहे हैं इससे कहीं ज्यादा हम रोड पे आके इसको रोकेंगे। और एक इसमें एक बात ये सुनी ऑर्डिनेंस व्यतिरेकाले మొదటిగా మామూలుగా ఏ చట్టం తీసుకొచ్చినా కూడా స్త్రీల కోసం గవర్నమెంట్ లా కమిషన్ అనేక రకాల కన్సల్టేషన్స్ చెప్తాయి, జరిపి అన్ని విమెన్స్ గ్రూప్స్ని ఆహ్వానిస్తాయి, వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు ఈ చట్టం కానీ ఈ ఆర్డినెన్స్ కానీ చేసేటప్పుడు ప్రభుత్వము ఏ ముస్లిం మహిళా సంఘాలని, ప్రపంచం దేశం మొత్తం మీద చాలా ముస్లిం మహిళా సంఘాలు ఉన్నాయి, ఏ సంఘాన్ని ఆహ్వానించలేదు, ఆ రకంగా చూస్తే ఇది పూర్తిగా అప్రజాస్వామ్యం. రెండవది ఇది పూర్తిగా అనవసరమైన ఆర్డినెన్స్, ఒకటి చట్టమే అనవసరమైంది, ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టు ఇప్పటికే ఇన్స్టెంట్ తలాక్ తక్షణ తలాక్ని ఇల్లీగల్ అని ఎప్పుడో ప్రకటించింది, 2001లో ప్రకటించింది, మళ్ళా 2016లో ప్రకటించింది, అయినా సరే ప్రభుత్వం కావాలని చెప్పి 2017లో మళ్ళా ఒక చట్టాన్ని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించింది. సరే చట్టాన్ని తీసుకొచ్చినాము, అది ఎట్లా చట్టాన్ని తీసుకొస్తారు, ఆ చట్టము విడాకుల చట్టంలో ఒక సవరణ చేస్తే సరిపోయేదానికి దాన్ని తీసుకొచ్చి దాన్ని మొత్తం నేరమయ్యం చూసి ముస్లిం స్త్రీల జీవితాన్ని ఇంకా అతలాకుతలం చేసే చట్టాన్ని కూడా తీసుకొచ్చినాయి. ఈ చట్టం వల్ల ముస్లిం స్త్రీలకు ఏమాత్రం ఉపయోగం ఉండదు, అన్ని రకాల సమస్యల్ని విడాకుల పద్ధతిని నేరమయం చేయడం వల్ల ఎవ్వరికీ ఉపయోగం ఉండదు, కాబట్టి ఈ చట్టాన్ని మనం వెనక్కి తీసుకోవాలి.